हेलो फ्रेंड्स, तन्मया की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पोहे और मैगी से एक बहुत ही यूनिक और टेस्टी नाश्ता, जो आपने ना पहले कभी खाया होगा और ना शायद बनाया होगा। पोहे और मैगी तो आप ऐसे बहुत खाते हैं, तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एक यूनिक नाश्ता। इसमें मैंने यहाँ लिए हैं 1 कप पोहे। इन पोहों को मैंने 2 से 3 बार अच्छे साफ़ पानी से धो लिया है और इनका पानी निकाल दिया है। ये देखिए, इससे ये सॉफ्ट हो गए हैं और अच्छे से भीग गए हैं। अब इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ बारीक चॉप किए हुए प्याज, बारीक चॉप किए हुए टमाटर, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें स्वीट कॉर्न चॉप किए हुए, हरा धनिया पत्ती। और अब इसमें मैं यहाँ डालूंगी 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल किए हुए। इन्हें यहाँ इस तरह से मैश कर लें या फिर इसे आप ग्रेट भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी मसाला, जो हमारे मैगी के पैकेट में मसाला आता है वो उसमें यहाँ ऐड कर रही हूँ। इन सब मसालों के साथ हम पोहे और आलू को अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसका एक अच्छा सा डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह का डो तैयार हो जाएगा। अब हम इस डो की एक बॉल की साइज़ या नींबू की साइज़ से थोड़ा सा बड़े बॉल लेंगे। इस तरह से इसकी बॉल बनाएंगे अच्छे से, और अब इसे हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे और एक टिकिया का शेप दे देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ सभी टिकिया तैयार कर ली है। अब हम इसका करते हैं दूसरा प्रोसेस स्टार्ट। इसके लिए मैंने लिया है एक मिक्सिंग बाउल। इसमें मैं लूँगी 5 से 6 टेबल स्पून मैदा। अब यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें चिली फ्लेक्स। अब इसमें मैं यहाँ ऐड करूँगी पानी। पानी आप एकदम से ज़्यादा ना डालें, इसे अच्छे से मिक्स कर लें और ना ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा गाढ़ा गोल तैयार कर लें। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह का गोल तैयार करना है हमें। अब हम यहाँ लेंगे एक मैगी का पैकेट। मैंने यहाँ जो सबसे छोटी मैगी का पैकेट आता है वो लिया है। इसे मैं इस तरह से तोड़ लूँगी। आप चाहें तो इसे बेलन की मदद से भी तोड़ सकते हैं। बिल्कुल बारीक टुकड़ों में इस तरह से इसे तोड़ लेना है। ये देखिए, अब मैंने जो यहाँ टिकिया बनाई थी उसे मैं यहाँ मैदे के गोल में डिप कर लूँगी अच्छे से, और अब मैं इसे जो हमने बारीक टुकड़े किए थे मैगी के उसमें अच्छे तरह से लपेट लूँगी चारों तरफ से। ये सारी टिकिया को मैंने इस तरह से कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई में तेल गरम करने रखा है। तेल को हमें मीडियम से हाई फ्लेम पर ही गरम करना है, और इसमें हमें अब एक एक करके सारी टिकिया तलने के लिए डाल दूँगी। इसे हम यहाँ पर डीप फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ से सिक गई है। अब इसे हम दूसरी तरफ से सेक लेंगे, पलट देंगे इसे। ये देखिए, दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह से हमारी टिकिया सिक गई है। अब इन टिकियों को हम तेल से निकाल देंगे। ये देखिए, बहुत ही अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। आप भी अगर इसे एक बार ट्राई करेंगे तो बार बार बनाएंगे। ये देखिए, अंदर से जितना सॉफ्ट है बाहर से ये उतना ही क्रिस्पी है, और इसका जो मैगी हमने फ्राई करी उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसे चटनी या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू।